আমি বলেবাজ यस सुपर किंग्स कप्तान जगदीश ठाकुर नहीं दिखाई दे रहे। और यहाँ पर वो बोल रहे स्टार की एंट्री हमेशा लेट ही होती है। एक सेट दिया था, 62 कराना था। राम राम श्री राम श्री राम। बैटिंग करता था ना तेरे एक बार। वो तो उसमें आ जाएगा ना, क्रिकी रूम ऑनलाइन है ना, स्कोरिंग उसमें आ जाएगा, इसमें दिखाई होगा। जैसे मैच खत्म होगा आ जाएगा इसमें। दोनों ही टीम का जो एक्स्ट्रा प्लेयर है, एक एक प्लेयर कृपया करके यहाँ से यहाँ पे भेज दे, जिससे टाइम की यहाँ पर बचत हो जाए और बार बार पूछना पड़े नहीं। यस सुपर किंग ने यहाँ पर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का डिसीजन लिया है। देखना होगा डिसीजन पे कितना खरा उतरते हैं। स्कोरिंग कर रहे हो क्रिक रूम? नहीं ऑनलाइन नहीं ना रे, स्कोरिंग ऑनलाइन नहीं। बैटिंग हो, बैटिंग गौतम राहुल बैटिंग भाई। एक भी सक्सेस के एक भी चौकी किया। अरे लिवन टेवा मैच द मैच कोन तो हां लास्ट वाला बोल। और यहां पर काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की सुविधा यहाँ पर है मौजूद, आपको कोई भी चिंता करने की यहाँ पर जरूर नहीं है। यस सुपर किंग्स जल्द से जल्द फील्ड से जाए, दोनों ही सलामी बल्लेबाज यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद, अंपायर जल्द से जल्द फील्ड से जाए। बल्लेबाजी में स्ट्राइक पे है पंकज, तो अपना बल्ला हवा में लहरा है। जी हाँ पंकज, और नॉन स्ट्राइक पे 12वां खिलाड़ी एक्स्ट्रा प्लेयर, प्लीज कॉमेंट्री बॉक्स में यहाँ पर भेज दीजिए। और यहाँ पर नौ स्ट्राइक पे बल्लेबाज का नाम क्या है कृपया 12वां प्लेयर यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में भेज दीजिए, जिससे मैनेजमेंट आसानी से हो जाए। स्ट्राइक पे है पंकज, गेंदबाजी में गेंदबाज का नाम है, गेंदबाज का नाम गेंदबाज विजय है, तो अपने हाथों में लहरा है गेंदबाज विजय। स्ट्राइक पे पंकज, कीपर देव ठाकुर नाम तो सुना ही होगा। और नौ स्ट्राइक पे बल्लेबाज का नाम क्या है, जयदीप, जयदीप है हवा में बेला। ठीक एक बार फिर से गेंदबाज, नौ स्ट्राइक पे जयदीप, स्ट्राइक पे पंकज। पहली गेंद पंकज को कुछ समझ में नहीं आया, गेंद जीती कीपर के दस्तानों में। ये मुकाबला देखना होगा क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं पंकज और कीपर कर रहे हैं यहाँ पर देव ठाकुर, यानी कि अच्छी तरह से जानते हैं कि पंकज ठाकुर कैसे खेलते हैं और पीछे से इशारा भी कर रहे हैं कि किस तरह से गेंदबाजी करनी है आपको। अभी जे काफी लंबा से यहाँ पर रनअप और बल्लेबाजी में पंकज यहाँ पर फुल टॉस, गेंद एक और कैच ड्रॉप। आज ग्राउंड पे कुछ विधि विधि हुई है क्या, कैच मिस हो जाए ऐसी, क्योंकि अब तक एक भी कैच नहीं हुआ है। पहला पूरा मुकाबला यहाँ पर, यस पंकज साहब नो सेव जल्दी ओके। और यहाँ पे जयदीप भाई आपको एक और यहाँ पर, सॉरी जगदीश भाई एक और आपको यहाँ पे हवन करना होगा कैच हो इसलिए।
और यहाँ पर विजय काफी अच्छी गेंदबाजी, लो फुल टॉस गेंद पे यहाँ पर पंकज मिस करते हुए, नहीं तो यकीनन तौर पे अगर लो फुल टॉस गेंद उनको मिलती है तो फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाती है वो फिर फोर या सिक्स। राहुल काफी अच्छी बल्लेबाजी करके यहाँ पर खड़े है अपनी टीम को टॉप ऑर्डर पे यहाँ पर रखते हुए, दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाज। और यहाँ पर जब जयदीप ऑन द स्ट्राइक और गेंदबाजी में विजय अच्छी गेंदबाजी अब तक, आगे बढ़ के उठाकर खेलने की कोशिश और यहाँ पर डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए यस सुपर किंग्स। और यस सुपर किंग्स में यहाँ पर आप पॉइंट पे खिलाड़ी देखिए जगदीश भाई, काफी अच्छे स्फूर्तीले फील्डर है, जॉन्टी रॉड से यहाँ पर काफी प्रभावित है वो। एक बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, और संगम ना होने का एक और ये रीजन है कि कीपिंग कर रहे हैं देव ठाकुर और गेंदबाजी विजय, और कीपिंग में एमएस धोनी जितना एक्सपीरियंस रखते हैं देव ठाकुर तो उसका फायदा क्यों ना मिले। गेंदबाज विजय शानदार गेंदबाजी बा विजय, बल्लेबाजी में जयदीप, अब तक गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं हुआ है और एक डॉट बॉल और कोई संगम नहीं, और यहाँ पर अपील होती हुई लेकिन शानदार यहाँ पर शुरुआत यस सुपर किंग्स करती हुई, यस सुपर किंग्स यहाँ पर यकीनन तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स जैसी शुरुआत करती हुई। शानदार यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं विजय, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पा रहे कि कैसे यहाँ पर बल्लेबाजी करे। जयदेव इस ओवर का आखिरी गेंद, एक और यहाँ पर डॉट गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है एक रन, और यहाँ पर अंपायर का डिसीजन देखना होगा क्या हुआ, डॉट बॉल है क्या, क्या हुआ ओवर हुआ है क्या। हाँ जी, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है एक रन और पंकज के बल्ले से, और वो भी कैच ड्रॉप हुआ था इसीलिए वहां पे जयदीप यहाँ पर डॉट बाय डॉट आफ्टर वन आफ्टर दैट नेक्स्ट बॉलर भूपत भाई, भूपत भाई है तो अपना हाथ हवा में लहराए, थैंक यू भूपत भाई। स्ट्राइक पे पंकज ठाकुर, पंकज ठाकुर अभी जा नहीं चुके हैं कि अभी यहाँ पर मैच का पूरा भार उनके कदमों पे है और उनके कंधे पे है। भूपत भाई, भूपत 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 ऊपर भूपत एक बार फिर से यहाँ पर पंकज जान चुके हैं अभी यहाँ पर उनके कंधों पे मैच काफी दारोमदार रखता है, और पंकज यकीनन तौर पे एक ऐसे बल्लेबाज है अगर वो खेल गए वो सेट हो गए तो अपने कंधों पे आसानी से स्कोर 70 रन से पार तो ले ही जा सकते हैं। गेंदबाज भूपत भाई तैयार, और यहाँ पर एक मोबाइल आया है किसका है पता नहीं है, वीवो का फोन है जिसका भी कमेंट्री बॉक्स से ले जाए। और यहाँ पर पंकज ने उठाकर खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, पंकज सोच रहे हैं क्या गलती कर दी मैंने, और रन लेके तो मेरे ख्याल से गलती कर ही दी लेकिन गिर के दूसरी गलती कर दी। पंकज आपको यहाँ पर पावर प्ले में तो आप अच्छा फायदा उठा सकते हो, वीवो का ये फोन जिसका भी है, पीछे 5 रुपए की नोट है जिसका भी है कॉमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें जल्द से जल्द। भूपत भाई यहाँ पर फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, यहाँ पर काफी प्रेक्षक कह रहे हैं 2000 का नोट अगर फोन में है तो हमें दे दीजिए, हम दे आते हैं प्रेक्षक को ऐसा बोल रहे हैं, फोन देंगे दे देंगे पैसों का पता नहीं। यहाँ पर एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, पहला गेंद यहाँ पर संगम होता हुआ आज जयदीप का, 5 गेंदों में पहली ऐसी गेंद थी जो उनके बल्ले पे अच्छी तरह से आई, और इसी के साथ राहत की सांस लेते हुए पंकज की थैंक गॉड स्ट्राइक पे तो आ ही गया। रॉयल इलेवन ने जैसे यहाँ पर सोचा होगा कि इस तरह की शुरुआत होगी उससे एकदम अलग तौर से यहाँ पे शुरुआत होती हुई रॉयल इलेवन यहाँ मेरे ख्याल से बेंगलोर के काफी चाहते फ्रेंड, और प्रवीण भाई काफी खुशमुशाल इंसान बहुत अच्छा, और एक यहाँ पर डॉट गेंद, पंकज को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शानदार गेंदबाजी में यहाँ पर भूपत, यहाँ पर प्रवीण भाई बोल रहे हैं थोड़ी देर में कमेंट्री बॉक्स के पीछे से ये सुपर किंग्स का मेंबर बन के आप वापस आ जाऊंगा यहाँ से।
एक बार फिर से ऊपर बल्लेबाज में पंकज और यहाँ पर उठाकर खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद, यहाँ पर कैच, शानदार कैच यहाँ पर करते हुए। और आइकॉन प्लेयर यहाँ पे अब तक जितने भी आए हैं नाम बड़े दर्शन छोड़े हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। दिनेश के द्वारा यहाँ पर लाजवाब कैच और पंकज यहाँ पर काफी सबको नाखुश किया है अभी अभी तक जो आइकॉन प्लेयर रहे हैं। और आइकॉन प्लेयर की बात करें और गौतम की बात ना करें ऐसा कैसे बन सकता है। गौतम ने यकीनन तौर पे काफी खुश किया है श्रीराम इलेवन को और कोई एक मौका भी नहीं दिया था आदेश इलेवन को। यहाँ पे आदेश इलेवन ने चार कैच छोड़े थे, श्रीराम ने बोला क्यों नहीं, हम तो इसी के लिए आए थे भैया। और यहाँ पर पॉइंट टेबल के टॉप के ऊपर है श्रीराम इलेवन अभी 2 पॉइंट्स के साथ। और इस मुकाबले में देखना होगा यह सुपर किंग यहाँ पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं रॉयल इलेवन के ऊपर। नए बल्लेबाज का नाम है सुरेश, सुरेश हवा में बल्ला ले रहा है प्लीज जी। धन्यवाद भूपत भाई, शानदार गेंदबाज यहाँ पर भूपत भाई करते हुए। दो ओवरों में अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लिए गए। भूपत एक बार फिर से राइट आर्म ओवर यहाँ पर और हिट विकेट है क्या जी? हाँ, अंपायर की उंगली हवा में लहराती हुई और सुरेश काफी नाखुश। इतने बड़े मुकाबले में इस तरह से आउट होना यकीनन तौर पे नाखुश तो करेगा ही सुरेश आपको, कोई बात नहीं। और यहाँ पर इसी के साथ भूपत भाई के लिए हैट्रिक चांस और यहाँ पर भूपत भाई अगर हैट्रिक लगाते हैं तो प्रवीण भाई की तरफ से 3 तालियों का सम्मान। लास्ट गेंद क्या भूपत भाई हाई स्ट्राइक यहाँ पर हैट्रिक करते क्या? जगदीश भाई क्या हैट्रिक के लिए अटैकिंग फील्ड से जाते हैं। धोनी जैसे यहाँ पर कप्तान है, लगा भी सकते हैं क्योंकि भूपत भाई के लिए जगदीश भाई आप यकीन तौर पे हैट्रिक के लिए विकेट के लिए आप कर ही सकते हो क्योंकि आप काफी हावी हो। 2 ओवर का यहाँ पर दूसरे ओवर का खेल जारी है, रन केवल 3 हुए है। रन ओवर द बॉल खेल रहे हो क्या? देखना होगा जगदीश भाई जी। हाँ, काफी अटैकिंग विराट कोहली से काफी प्रभावित है मेरे ख्याल से, अग्रेसिव यहाँ पर और कीपर अग्रेसिव, फील्डर अग्रेसिव, गेंदबाज भी अग्रेसिव। ओ हैट्रिक यहाँ पर भूपत जी के द्वारा और क्यों ना हो, शानदार गेंदबाज, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक बाय भूपत। और इसी के साथ एक और बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौटता हुआ और प्रवीण भाई बोल रहे हैं माइक इधर लाइए, 3 तालियों का सम्मान दे देता हूँ। भूपत भाई आपको 3 तालियों का सम्मान मिल चुका है, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। दो ओवर के खेल के बाद स्कोर जब हो जाए 3 रन आफ्टर लॉस ऑफ 3 विकेट। सभी ये बल्लेबाज क्या एक एक रन बनाने का सोच क्या है? नए बल्लेबाज गणेश क्या बाउंड्री का गणेश कर पाते हैं यहाँ पे? गेंदबाजी में विजय, पहला ओवर काफी शानदार ओवर किया था, पहले ओवर में 1 ही रन था। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन आफ्टर लॉस ऑफ 3 विकेट। देव ठाकुर स्ट्राइक पे है, अजयदीप ओपनिंग में आए थे। जयदीप अपने कंधों पे आपको भी यहाँ पे सेट हो चुके, अपना फौज यहाँ पे संभालना होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन दूसरी मैच में उनका बल्ला बोलेगा, मैं जानता हूं मेरे बड़े भाई काफी शानदार है, उनको पता है कैच ड्रॉप हुआ था। एक बार फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संगम यहां पर होने नहीं दे रहे। विजय क्या बात है, शानदार गेंदबाजी बाबा विजय, शानदार कैच किया था आपने और वो कैच नहीं मैच भी हो सकता है साबित। कीपिंग में जगदीश है क्या? जू बीच पे कीपिंग करके मैंने देखा हुआ उनको, दुबई में भी 1-2 बार कीपिंग कर रहे थे। एक बार फिर से विजय, जयदीप उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में, क्या शानदार गेंदबाजी कर रही है यहाँ पर यस सुपर किंग्स। कीपर दिनेश है क्या?
और यहाँ पर एक बार फिर से गेंदबाज विजय सामने जयदीप, और यहाँ पर जयदीप कुछ समझ नहीं पा रहे, जयदीप क्या कर रहे पता नहीं, मेरे ख्याल से जयदीप सेट हो रहे, वो बोल रहे दो ओवर में मैं बना लूंगा रन, पांच ओवर तक मुझे खेलने दीजिए। प्रवीण भाई जानते हैं हम तो हार चुके, लेकिन हम जिनको सपोर्ट करते हैं वो तो जीत जाए वही अच्छा है। और एक और रीजन है, अगर अच्छी रन रेट से वो भी जीतते हैं तो उनको फायदा रहेगा। एक और फिर से विजय चले, जयदीप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर देव ठाकुर की कमी कीपिंग में महसूस होती हुई, अगर वो होते तो ये खिलाड़ी अब तक पवेलियन में होता। और यहाँ पर विजय क्या लाजवाब गेंदबाजी, यस सुपर किंग्स के द्वारा लाजवाब मैनेजमेंट। और फील्ड देखिए आप क्या अटैकिंग फील्ड है, एक भी बाउंड्री नहीं लगी इसके अभी तक, और गेंदबाज में और क्या, और यहाँ पर नहीं, शानदार यहाँ पर गेंदबाजी विजय के द्वारा। मेरे ख्याल से यकीन तौर पर आप कैच करने का चांस यहाँ पर ले सकते थे क्योंकि प्रवीण भाई बोल रहे थे वो थोड़ा डर गए थे, अगर तीन रन एक्स्ट्रा जाते तो एक तरफ देव भाई खड़े हैं, एक तरफ जगदीश भाई खड़े हैं और पीछे खुद प्रवीण भाई, तीनों तरफ से जो सुनने को मिलता। और यहाँ पर जयदीप 10 गेंदों में केवल 2 रन बना के खेल रहे हैं। जयदीप आपको यहाँ पर अभी यकीनन तौर पे यहाँ पर बोझ अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। जयदीप काफी लंबा सा रन अब बल्लेबाजी में, गणेश क्या बाउंड्री का गणेश करते हैं, किया है क्या, नहीं पीछे फील्डर मौजूद, और एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। काफी स्फूर्ति से और काफी एनर्जेटिक टीम यहाँ पर, यस सुपर किंग्स। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन, यस 3 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। पहले ओवर में केवल एक ही रन दिया था विजय ने, दूसरे ओवर में 2 रन दिए भूपत ने, और तीसरे ओवर में एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी बाय विजय, एक बार फिर से सिर्फ 2 ही रन दिए गेंदबाजी में, खुद गब्बर देव ठाकुर, देव बल्लेबाजी का नाम, बल्लेबाज का नाम गणेश, 9 स्ट्राइक पे जयदीप, गणेश सामने देव ठाकुर, शानदार गेंदबाज, और यहाँ पर पहली गेंद में विकेट का शुभ मुहूर्त करते हुए देव ठाकुर, शानदार गेंदबाजी भाई देव ठाकुर, पहली गेंद भी यहाँ पर विकेट, वेरिएशन के चलते कुछ समझ नहीं पाए गणेश की क्या करे और क्या नहीं। भूपति यहाँ पे चारों तरफ छाए हुए हैं, गेंदबाजी में हो तो विकेट ले रहे हैं, स्लिप में खड़े हो तो कैच कर रहे हैं, बल्लेबाजी में क्या करते हैं। देव ठाकुर के यहाँ पर देव ठाकुर के यहाँ पर 499 विकेट हो चुके हैं, अभी यहाँ पर स्कोरर ने बताया मुझे 500 विकेट आज ही इसी मुकाबले में ले लेते हैं क्या, नहीं बोले बस जेडी है तो अपना बल्ला हवा में ले रहा है, जगदीश चावड़ा है तो हवा में ले रहा है, जगदीश चावड़ा अगर बल्लेबाजी में है तो अपना बल्ला हवा में ले रहा है, विनोद जी हाँ विनोद नया बल्लेबाज विनोद यहाँ पर स्ट्राइक पे गेंदबाजी में 500 विकेट की तलाश में, देव ठाकुर आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पर जानते हैं देव ठाकुर सामने, और यहाँ पर रिस्क लेकर रन चुराने की कोशिश, ये सुपर किंग रही है कह रहे हैं कि कोई बात नहीं सिंगल ले लेने दीजिए, एक्स्ट्रा रन मत दीजिए। इसी के साथ 4 विकेट का समापन हो चुका है, चौथा ओवर जारी है, स्कोर जब पहुंचा है 6 रन इसी एक विकेट 1 रन के साथ। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जयदीप 10 गेंदे खेल के खेल रहे हैं, अब यहाँ पर देखना होगा सेट हो चुके हैं क्या, या फिर नाइट में भी एक मैच है बोल रहे हैं प्रवीण भाई, नाइट में जो उनका जहाँ पे रखा है वो रूम वहाँ पे मैच होगी एक, और एक डॉट गेंद जी हाँ प्रवीण भाई बोल रहे हैं जहाँ पे वो रुकने वाले हैं वहाँ पे एक मैच होगी, वहाँ पे वो अकेले बैठते हैं सामने 10 प्लेयर बैठते हैं और अच्छी तरह से उनका चलता है रिमांड चलता है क्या चलता है वो तो पता नहीं। एक बार फिर से देव ठाकुर जयदीप यहाँ पर ये अच्छा फुटवर्क बनाते हुए, और यहाँ पर क्या 500 विकेट हो चुका है, और यहाँ पर क्या अगर ऐसी यहाँ पर फील्ड या सुपर किंग्स के द्वारा बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दे रहे, और इसी तरह से अगर आप लो स्कोर पे तो आपको मैं जितना मुश्किल है नहीं नामुमकिन है। देव ठाकुर एक बार फिर से बल्लेबाजी में, जयदीप फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए, और यहाँ पर ग्राउंड खचाखच भरा हुआ, कम से कम 1,00,000 प्रेक्षक का यहाँ पर मौजूद है, और आप इतना निराशाजनक परफॉर्मेंस करोगे तो कैसे चलेगा भैया।
बढ़िया गेंदबाजी। यस, सुपर किंग्स के काफी फैन यहां पर बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, कमेंट्री बॉक्स के पीछे। और यहां पर यूट्यूब पे लाइव में कमेंट आई है, देव ठाकुर 500 विकेट लेते हैं तो 5 तालियों का सम्मान कोई भी प्लेयर यहां से दे देगा। और यहां पर ऑफ साइड की ओर खेल दिया है, पीछे फील्डर काफी तेजी से दौड़ते हुए। और यहां पर मिस फील्ड, उसी के चलते दो रन। और यहाँ पर पाई का इशारा, 3 रन लेते हुए यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी बिटवीन द विकेट। 3 ओवर में जितने रन आए थे उतने रन यहाँ पर मिसफील्ड के चलते दे दिए हैं। स्कोर जा पहुंचा 9 रन। चौथा ओवर समाप्त हो चुका है, जी हाँ, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन आफ्टर लॉस ऑफ 4 विकेट। आइए शानदार गेंदबाजी बाय यस सुपर किंग। एक बार फिर से भूपत, भूपत है तो अपना हाथ वाम लहराइए। जी हाँ भूपत, गेंदबाजी में भूपत, फील्डिंग में भूपत, एक बार फिर से गेंदबाजी में भूपत। पहली ओवर में केवल 2 ही रन दिए थे। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पे भूपत का, जी हाँ रन पहुंचे हैं केवल 9 रन। एंड देन वंस अगेन भूपत इज ऑन द बॉलिंग मार्क। जयदीप हैव सम कंफ्यूजन बिटवीन द बॉल एंड बैट। एक बार फिर से भूपत, जयदीप यहाँ पर सोच रहे हैं क्या हुआ है। और यहाँ पर गेंद बल्ले पे तो लगी, जयदीप बोल रहे हैं थैंक गॉड गेंद बल्ले पे लग गई। एक बार फिर से विनोद इज ऑन द स्ट्राइक, भूपत भाई क्या एक और विकेट लेते हैं भूपत भाई। और सामने देखना होगा क्या विनोद पहली बाउंड्री लगाएंगे अपनी टीम के लिए। सभी यहाँ पे जो प्रेक्षक बैठे हैं वो काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब आए पहली बाउंड्री और हम तालियां बजाएं। विनोद ने उठाकर खेल दिया है, पावर प्ले से तो आगे चली गई है गेंद, बाउंड्री से आगे नहीं जाएगी। जी हाँ 2 रन से यहाँ पे संतुष्ट करने पड़ेगा विनोद को। और यहाँ पर मिस फील्ड, उसी के चलते यहाँ पर 3रा रन क्या मुकम्मल हो जाएगा। अंपायर कैसे यहाँ पर उंगली हवा में लहराती हुई, यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ जयदीप वापस जाते हुए। ओके, और एक रन शॉट भी है, शॉट रन एक। एक रन शॉट है और एक रन आउट हुआ है तो भी एक रन गिना जाएगा। ठीक है, डया राठौड़ का भी फैन यहाँ पर मौजूद है उनके। डया राठौड़ के 6 लगाते हैं तो यहाँ से कमेंट्री बॉक्स से डया राठौड़ अगर 6 लगा दे तो मुकेश भाई की तरफ से 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर मुकेश राठौड़ वेस्ट इंडीज से ताल्लुक रखते हैं क्या? मुकेश भोरियानी अंजार की तरफ से 501 का नगद पुरस्कार डया भाई को मिलेगा। और 555 गेल का टी शर्ट पहना है क्या? देख रहा हूँ उसी तरह का प्रदर्शन करते हैं। उठाकर गेंद लिया है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, कैच ड्रॉप, कोई बात नहीं, सुबह से वही सिलसिला जारी है, कैच ड्रॉप करते रहिए। प्रवीण भाई ने शुरुआत की थी, प्रवीण भाई ने काफी अच्छा प्रयास किया था लेकिन 3 फील्डर झगड़ रहे थे कौन कैच करेगा पता ही नहीं चला। अभी भी 6 लगा दे डाया भाई तो मुकेश बोरियानी की तरफ से अंजार से जो ताल्लुक रखते हैं 501 रुपए का नगद पुरस्कार आपको अभी दिया जाएगा। ऊपर लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी मारने देंगे। और यहाँ पर आपने 6 के चक्कर में आउट करा दिया उनको, मुकेश भाई बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पवेलियन में आओ। राजेश रावतानी को अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से फोन आया है क्योंकि उन्हें येलो जर्सी पहनी है, वो बोल रहे हैं आप येलो जर्सी का अपमान मत कीजिए, उतार दीजिए, या फिर सेकंड मैच में 50 लगे और मुझे पता है वो जरूर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे सेकंड मैच में। और पहले मैच में भी अगर उनकी पहली ओवर में कैच हो चुका होता तो मैच का रुख और भी हो सकता था। राजेश रावतानी काफी अच्छे बल्लेबाज, और थोड़े ही टाइम के बाद उनका मैच है मेरे ख्याल से हमारे सामने। जी हाँ हमारे सामने नए बल्लेबाज गोपाल है तो अपना बल्ला हवा में लहराइए। जी हाँ धन्यवाद गोपाल, जीरा में से वो बोल रहे देश में थोड़ा सा बारिश हुआ है तो जीरा में से पानी
लेते लेते सीधा यहाँ पे यहाँ पर एंट्री करते हुए, ऐसा मुझे प्रवीण भाई बोल रहे हैं यहाँ से, मुझे कहीं पे भी यहाँ पे आना नहीं है, नहीं तो कॉमेंट्री मुझे मैच खेलना है अभी आगे। प्रवीण भाई तो यहाँ पर नहीं, वो आर्यन जीते, उनके चेहरे पे खुशी कभी कम नहीं होगी। और खुशी कैसे कम हो, एक तरफ हो मनसुख भाई, एक तरफ हो मुकेश भाई, और खुशी कम हो ऐसा माहौल बन ही नहीं सकता है। और यहाँ पर बल्लेबाजी में गोपाल, जी हाँ वो खुश इसलिए हो रहेगा, आप भी एक ओवर में ये मुकाबला खत्म कर देते हो तो श्रीराम से आपका 100+ हो जाएगा, और इससे उनको भी बेनिफिट रहेगा आदेश को, कि अगर वो सेकंड मैच जीतते हैं। उठाकर खेल लिया है गेंद हवा में, तीन फील्डर उसके नीचे, जगदीश भाई वो तो है कैच, वन टिप में मारते हैं वो डायरेक्ट कैच करते ही नहीं है कभी। और यहाँ पर शानदार ट्राई, यहाँ पर 1 किलोमीटर का यहाँ पर दायरा कंप्लीट करके वहां तक पहुंचना भी बड़ी बात है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 15 रन, 3 के रन रेट से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं रॉयल 11। और इसी के चलते यहाँ पर ऐसे ही बल्लेबाजी करते हैं तो 21 रन बनाएंगे वो, मनसुख भाई बोल रहे हैं 15 रन, यहाँ पर 20 रन बना लेते हैं तो काफी सम्मानजनक स्कोर होगा। प्रवीण भाई गुस्सा होके ये जो कमेंट्री बॉक्स है उसके ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, रहने दीजिए प्रवीण भाई, उतना भी गुस्सा मत होइए, आपका एक और मैच बाकी है, वो भी आपको हराना है अपनी टीम को। और यहाँ पर नेक्स्ट बॉलर देव ठाकुर, या 500 विकेट ऑन द वे, बल्लेबाज में विनोद, गेंद हवा में, 500 विकेट नहीं होगा मुकम्मल, साथ दीजिए यार 500 विकेट, यहाँ पर देव ठाकुर ऑन द वे चल रहे हैं। और देव ठाकुर, ठाकुर समाज का गौरव, ठाकुर समाज में एक प्रतिष्ठित नाम है जिनका, और आइकॉन प्लेयर के चलते आज ये सुपर किंग्स में आते हुए खेलने के लिए, और अपनी पूरी टीम का बंदोबस्त मैनेजमेंट सब कुछ अपने कंधों पे लेते चलते हुए, और वो यहाँ पर स्कोरबोर्ड पे दिख भी रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से देव ठाकुर बल्लेबाजी में है गोपाल, और यहाँ पर अंपायर के दोनों हाथ हवा में लहरा दिए, काफी फैन फॉलोइंग है यहाँ पर यस सुपर किंग्स की, और कैसे ना हो, काफी लोग प्रिय खिलाड़ी जगदेश देव भाई, भूपत भाई सभी इस टीम में मौजूद। और यहाँ पर शानदार गेंद, और यहाँ पर कीपर रिव्यू लेने के लिए बोल रहे हैं कि पहले पैड पे लगी है गेंद क्या, नहीं रहने दीजिए बल्लेबाज, और यहाँ पर अंपायर का इशारा बैट पे लगती हुई, बढ़िया गेंदबाजी यस सुपर किंग्स के द्वारा। और यहाँ पर अल्ले की ओर खेलते हुए गेंद जा रही है सीधी लॉन्ग ऑन के पे जो खिलाड़ी खेला है विजय, और मेरे साथी ओपनर सूरज यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में, और यहाँ पर अंपायर के दोनों हाथ एक बार फिर से हवा में लहराते हुए वाइड का इशारा, गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, इसके साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 20 रन। गौतम गोपाल ने आगे अगर खेलने की कोशिश, एक और डॉट गेंद यहाँ पर, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। एक बार फिर से देव ठाकुर, छोटा सा रन अप, गुड लेंथ की गेंद यहाँ पर, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर यहाँ पर, अंपायर का कोई इशारा नहीं यहाँ पर, जी हाँ प्रवीण बोल रहे हैं ऐसी गेंदबाजी अगर मेरे सामने आएगी तो मैं 6 गेंदों में 4 गेंदे डॉट करूंगा। एक बार फिर से देव ठाकुर उठाकर खेल दिया है, 500वां विकेट मुकम्मल नहीं होगा, क्या कर रहे हो यहाँ पर फील्डर, साथ देना होगा आपको देव ठाकुर का, क्योंकि ये मुकाबला ऐसा है, दूसरा मैच यहाँ पर आदेश लिए उनके सामने आकर है। इसके साथ 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जब हो जाए 21 रन आफ्टर लॉस ऑफ 6 विकेट। छह ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन आफ्टर लॉस ऑफ 6 विकेट। ऑफ के दायरे में सारा फील्डर, अटैकिंग फील्ड पे यहाँ पर, और गेंदबाज का नाम क्या है, दिलीप,
अदिलीम यहाँ पर एक बार फिर से सामने गोपाल इज ऑन द स्ट्राइक, देखना होगा क्या कर पाते हैं। आखिरी ओवर फुल टॉस गेंद अंपायर का यहाँ पर आध हवा में नो बॉल और इसी के साथ पहला बाउंड्री मुकम्मल होता हुआ रॉयल इलेवन का नो बॉल। और यहाँ पर फ्री हिट का भी मौका मिलेगा और इस मुकाबले का ये पहला बाउंड्री मिलता हुआ रॉयल इलेवन जहां कहीं भी हो तालियां जरूर बजाए, पहला बाउंड्री है टीम का। वेल प्लेड, पहला मैच के बाद दूसरा ऐसा मैच सातवें ओवर में पहली बाउंड्री आई है और वो भी गोपाल के बल्ले से। और यहाँ पर फ्री हिट, फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं यहाँ पर गोपाल, देखने वाली बात होगी। दिलीप यहाँ पर रिवर्स भी कर रहे हैं और यहाँ पर गेंद खेलना कहीं चाहते थे जा रही है कहीं पे ग्राउंड पे और भूपत भाई दौड़ते हुए गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर, एक और चौका। जी हाँ बाइक का चौका है क्या, बैट से है। जी हाँ यहाँ पर गौतम अभी जीने नहीं देंगे रॉयल इलेवन वालों को, बोलेंगे मैं अगर ओपनिंग में गया होता तो अच्छा होता, ऐसे वैसे तैसे करके रन आ ही जाते। और यहाँ पर देखना होगा जगदीश भाई की यहाँ पर डिमांड थी, अगर उनका ये ओवर बनता था जगदीश भाई, ये ओवर यकीनन तौर पे जगदीश भाई का बनता था। और यहाँ पर ठाकुर इलेवन, उनके चेहरे देखिए आप, मुकेश बोरियानी बोल रहे हैं भाई के सामने मामे वाले हैं यहाँ पर, क्या मामा का मामू बनाते हैं नहीं, देखने वाली बात। अरे यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइट बॉल। जी हाँ जगदीश भाई आई थिंक ये ओवर आपका हो सकता था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जू बीच पे आपके भी 399 विकेट तो हो चुके हैं, जू बीच पे 400 विकेट लोडिंग है, यहाँ पे तो आपके कितने विकेट है वो गिने ही नहीं जा सकते, इतने मैचों का एक्सपीरियंस है आपके पास। एक बार फिर से दिलीप, गोपाल ने उठाकर खेल दिया गेंद फाइन लेग के ऊपर, कीपर वहां पे मौजूद दिनेश वेगड़ा, फाइन लेग के ऊपर से वो जो हिमालय दिख रहा है वहां पे गेंद आपको दिख भी सकती है। और मुकेश बोरियानी बोल रहे हैं दिनेश वेगड़ा जितने भी सिक्स लगाएंगे उसका इनाम, उस एक सिक्स का इनाम 501 रुपए, जितना भी सिक्स लगा दे। दिनेश पिराना अगर कैच पकड़ दे 501 रुपए का इनाम भवन चावड़ा की तरफ से दिया जाएगा। और यहाँ पर कैच की तो आप प्रवीण भाई बात ही मत कीजिए, गेंद बल्ले पे भी नहीं आ रही, अभी गेंद बल्ले पे भी नहीं आ रही और आई थिंक ये लास्ट गेंद है, चार गेंद हुई है, दो गेंद बाकी अभी। एक बार फिर से दिलीप और यहाँ पर शानदार फील्डिंग, उनको भी पता नहीं था कि फील्ड रोक लिया है क्या। अरे शानदार फील्डिंग यहाँ पर, एक बार फिर से दिलीप बल्लेबाज तैयार, आखिरी गेंद फाइन लेग की ओर से गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, पीछे फील्डर दौड़ते हुए लेकिन, और यहाँ पर चार रन। और इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 38 रन। जी हाँ 38 रन, दिनेश वेगड़ा अगर सिक्स लगाते हैं जितना भी 501 रुपए का नकद पुरस्कार मुकेश बोरियानी की तरफ से। जी हाँ अंजार से ताल्लुक रखते हैं मुकेश भाई, काफी खुशमुशाल इंसान है मुकेश बोरियानी, एक सिक्स लगाते हैं तो 501 रुपए, जितने भी सिक्स लगाते हैं 501 रुपए का नकद पुरस्कार, और प्लस मेरी तरफ से जो इनाम दिया जाएगा अगर मुकाबला जिताते हैं तो वो मैं देश में जाके बोलूंगा, अभी नहीं दूंगा। कैशबुक यहाँ पर स्टेज पे रखे दिनेश वेगड़ा ऐसा डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है वो खेलने ही वाले हैं, नेक्स्ट मुकाबला उनका ही है। और यहाँ पर खेल दिली की भावना से जो भी कॉमेंट्री करता हो वो प्लेयर यहाँ पर कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाए क्योंकि इसके बाद मेरा मुकाबला है। और जेडी, जी हाँ जेडी चित्रोड़ से ताल्लुक रखते हैं, कॉमेंट्री बॉक्स में आ रहे हैं। जेडी ठाकुर यहाँ पर बादरगढ़ में एक बार दो गेंदों में 11 रन चाहिए थे, दो गेंदों में 2 सिक्स लगा के किशन ढोली के सामने हमको मुकाबला जिताया था। जी हाँ वही जेडी ठाकुर, शानदार गेंदबाजी यहाँ पर, यस सुपर किंग, शानदार गेंदबाजी भाई भूपत भाई, शानदार गेंदबाजी भाई देव भाई। और नया गेंद दीजिए अंपायर को और स्टंप में मैनेजमेंट सर्कल जहां पे भी हो स्टंप में पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। यस सुपर किंग यहाँ पर एक स्टेप ऊपर चल रही है, हवा में चल रही है अभी।
जगदीश चावड़ा मैनेजमेंट कर रहे हैं, देव ठाकुर मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मैच में हावी ना हो ऐसा बन नहीं सकता। रॉयल इलेवन जल्द से जल्द फील्ड से जाले, और पानी पीने के बाद यस सुपर किंग्स जल्द से जल्द अपने सलामी बल्लेबाज भेज दीजिए। और यहाँ पर अभी आंखों देखा हाल सुनाया गया प्रवीण भाई, प्रवीण भाई कमेंट्री बॉक्स में अपना स्थान ग्रहण कीजिए।